हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एलएल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो हम साथ मिलके देखेंगे। है तो थोड़ी सी पुरानी वीडियो है, लेकिन थोड़े रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। ये टूई ब्रो की वीडियो है, तो वो चाहते हैं कि 2 4 दिन बाद ही मेरी वीडियो पर कोई रिएक्शन करे। तो हम उनकी जैसे उनकी है, क्योंकि हमें भी उनको टाइम देना चाहिए, तो इसलिए मैं ये आज आपके लिए, मेरे डिमांड में आ रही थी, इसलिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जो उन्होंने बनाई है, हिडन ट्रूथ ऑफ नकाब वाली लड़की। ठीक है भाई, तो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल रोस्ट पार्ट 3, टूई ब्रो ऑफिशियल। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टूई ब्रो भाई, वो शुरू से अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा रोस्टिंग करते हैं, अच्छा पाकिस्तानियों की ठोक बजा के लेते हैं। और कई पोरकियों को इससे तकलीफ भी है, टूटे टूटे दिल टूटे टूटे हो गया सड़ दिल वो फायरे से सूर बोल रहा था ना, टूटे टूटे उसको गाना सुनना चाहिए, दिल टूटे टूटे हो गया सड़ा दिल टूटे टूटे। चलो खैर, उसका तो जो टूटे टूटे होने हैं वो तो हो ही जाएंगे, जो पाकिस्तान के भी टूटे टूटे हो रहे हैं, बहुत अफरा तफरी मच चुकी है पाकिस्तान में। तो कोई बात नहीं, देखते हैं हमको क्या है, हमने तो मजे लेने हैं। तो ये टूई ब्रो भाई की पहले वीडियो देखते हैं, फिर एंड में थोड़ी सी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई लोग, बात करते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स के एक ऐसे फर्जी रिएक्शन चैनल के बारे में जो लोगों को चूना लगाने में सभी पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और वो जट्टू है ये बंदा, जो अक्सर इस मास्क पहनी लड़की के साथ नजर आता है। बंदा एक चैनल से पाकिस्तानी बनकर रिएक्शन दे रहा है और एक चैनल से इंडियन बनकर, मतलब भारतीय लोगों से व्यूज खाने के लिए बंदा दोनों देशों का नागरिक बना बैठा है। और जब भी इससे कोई इसके बारे में पूछे तो तुलसीदास खान, बाप का नाम जावेद चौरसिया, माँ का नाम अरे मुमताज देवी, अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद। बंदा पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल पर रिएक्शन देकर इंडिया के खिलाफ तो जहर उगलता ही है, साथ ही साथ इंडियन बनकर भी भारतीय लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने में लगा रहता है। मोदी जी को मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं उनका वोटर नहीं हूँ। अरे तेरी बहन का पोरकी मारू, ठीक है मीठे, तू इंडिया का नागरिक है कब जो तू मोदी जी का वोटर होगा? पाकिस्तान में रहकर इंडिया में वोटिंग करेगा क्या? और रही बात मोदी जी को सपोर्ट करने की, तो तुम्हारे मोदी जी को सपोर्ट करने ना करने से होगा क्या कोई फर्क पड़ता है का? कोई भूकंप आएगा का? तुम साले आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले मोदी जी को सपोर्ट भी कैसे कर सकते भाई? ये बंदा इतना हरामी है कि इंडियन बनकर लोगों को भारत और मोदी जी के खिलाफ गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है, ताकि रिएक्शन के नाम पर भारतीय लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा सके, जिसमें इसका बखूबी साथ देती है ये मास्क पहनी लड़की, जिसको बंदे ने अपने चैनल के लोगों के तौर पर यूज किया हुआ है। लेकिन बात जब लड़की का फेस दिखाने की आती है तो ये मीठा, मैं नहीं दिखाऊंगा भाई। 1 साल होने जा रहा, बंदी के चेहरे से मास्क का हटने में नहीं आ रहा, मानो इसके बराबर में बैठा बंदा मीठा नहीं कोविड का मरीज हो। बंदी सिर्फ आंखें दिखाकर ही लोंडो को सम्मोहित करने में लगी हुई है, और इसकी आंखों पर मेकअप, साला जितना मेकअप तो आम लड़कियां पूरे फेस पर नहीं करती होंगी, जितना मेकअप बंदी सिर्फ अपनी आंखों पर थोप कर बैठती है। साला आंखें कम, एशियन पेंट से रंगी दीवारें ज्यादा नजर आती हैं, हरा लाल गुलाबी नीला पीला हर कलर इसकी आंखों पर देखने को मिल जाएगा। भाई इतने कलर तो साला गिरगिट भी ना बदल पाए जितना ये अपनी आंखों का बदल लेती है। भाई इसकी पलकों के बदलते हुए कलर्स को देखकर गिरगिट भी कहेगा, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ। और इस बंदी का नॉलेज, अब इस लड़की का ज्ञान सुनो, छोटा चाइना, सुना भाई लोग, चाइना छोटा सा है भाई। ये वही पोरकी है जिनका मानना है धरती चपटी है और पहाड़ इसलिए बनाए गए हैं ताकि धरती आसमान में उड़ ना जाए। बहन जितना दिमाग आंखों पर मेकअप थोपने में लगाती है, उतना दिमाग अगर पढ़ाई लिखाई में लगाया होता तो इस मीठे के साथ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस रिएक्शन के नाम पर पैसा छापना है, ज्ञान गया भाड़ में। भारतीय लोग हैं तो रिएक्शन के नाम पर कुछ भी देखेंगे। और क्यों? क्योंकि मास्क पहनी लड़की का फेस जो देखना है, जिसकी ख्वाहिश में इसके कमेंट सेक्शन में लौंडे, आपको अपने चेहरे से नकाब हटाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये लड़की, नहीं नहीं मुझे आज तक किसी ने बेनकाब नहीं देखा। बस लोंडो को इसको बिना मास्क के देखने की जिज्ञासा का ही ये बंदा भरपूर फायदा उठाता है। और बात जब भी व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने की आती है तो बंदा इस आंटी को आगे कर देता है। कहते हैं ये मास्क उतारेगी, तो आप लोग पूछते हैं ना मास्क कब उतरेगा। और 50,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद देखना चाहते हो तो लो देखो।
भाई मुझे हैरानी इस बात की नहीं कि ये 50,000 सब्सक्राइबर्स होने पर मास्क उतारने का ऑफर दे रहा है। मैं हैरान तो इस बात से हूँ कि बंदा 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होने पर लोगों को क्या उतारने का ऑफर देगा। अब ये मीठा कहेगा, समझदार को इशारा काफी है। समझ रहे हो ना। और भाई ये मीठा भी कम थोड़ी है, साला अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन तो परमानेंट ऐसे खोल कर रखता है जैसे इसी की छाती देखने के लिए लोग इसके चैनल पर आ रहे हो। मतलब झोपड़ी वाले को जिसका फेस दिखाना चाहिए वो तो दिखाता नहीं, अपनी शर्ट के बटन खोलकर छाती और दिखाने लगता है। और भाई हंसी तो मुझे इस बात पर आती है कि अगर इन रिएक्शन चैनल्स के कमेंट सेक्शन में अगर कोई बंदा किसी वीडियो पर रिएक्शन देने के लिए एक कमेंट भी कर दे तो इन लोगों का कहना होता है बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की। मतलब बंदों की वीडियो के नीचे 20 कमेंट्स में 15 में गालियां होंगी, 4 में सच बोलने की सलाह, और एक कमेंट में कोई बंदा भूले भटके किसी वीडियो पर रिएक्शन देने की बोल रहा हो तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारूं, तुम नहीं सुधरोगे। भाई इन पोर्कियों ने रिएक्शन चैनल से कमाई करने का ऐसा धंधा बना लिया है कि व्यूज खाने के लिए ये गांड उठाकर खुद कैमरे के आगे तैरते नजर आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब भाई मुझे एक बात बताओ, इस मास्क के पीछे ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है जो ये मीठा उसको उजागर करना नहीं चाह रहा और इसके व्यूअर्स इसको बिना देखे रह नहीं पा रहे, जो इसकी वीडियो देखे जा रहे हैं, सब्सक्राइब किए जा रहे हैं, जबकि बंदा भारतीय लोगों से कमाई करके भारतीय लोगों के खिलाफ ही जहर उगलता है। मैं पीओके बोल के थक गया, हमारे ही रहने दो। सुना भाई लोग, पीओके हमारा है, हमारा ही रहने दो। भाई ये पोर्की इतने जाहिल हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि पीओके बोलते किसको हैं। बंदे खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इन्हें कश्मीर भी चाहिए। आजा संडास दिखा दो। अब भाई आप खुद सोचो, ऐसे फर्जी रिएक्शन चैनल्स की वीडियोज इंडियन लोग देखते ही क्यों हैं, जबकि ये कई कई रिएक्शन चैनल बनाकर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, फिर भी भारतीय लोग इनकी वीडियोज देखकर इनकी कमाई करा रहे हैं। दिल से लगता है भाई। भाई इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, पाकिस्तान रिएक्शन चैनल रोस्ट पार्ट 1। भाई जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जरूर जाकर देखें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। तो ये डैब रिएक्शन वाले हैं तो इनका ना प्रॉब्लम क्या होता है, क्या होता है, ये डबल चैनल इसलिए खोलते हैं कि अगर इनको पाकिस्तान से कुछ ना मिले तो इंडिया से ले लो, इंडिया से कुछ ना मिले तो पाकिस्तान से ले लो। बेसिकली फंडा क्या होता है कि पैसों का चक्कर है, जैसे अभी आपने सुना ही है, अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है अपने टू ब्रो भाई ने कि उसने खुद भी बोला है, ठीक है, जो पोर्की था, कि 50,000 पे इसका मास्क खुलेगा और 1,00,000 पे इसका कुछ और खुल जाएगा। जो समझने वाले हैं ना वो सब कुछ समझते हैं, इशारा सारा कुछ समझते हैं, और उसने खुद ही बोला है कि समझदार को इशारा काफी है। तो पता क्या आता है, ये पाकिस्तानियों ने ना ये इसका इस टाइप का धंधे बना रखे हैं कि एक तो इंडियन का दिमाग खराब करना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था वो यकू अपना राणा सुअर, उस पर बनाया था। अब मैं एक चीज़ मैंने उसमें और नोट की जाके, अब मैंने लास्ट वीडियो देखी है तो वो आपस में लड़ने लग गए हैं जंबो रिएक्शन वाले। वो उसको बोल रहा है कि मेरे चैनल पे मत आया कर, तू कैसे खराब करता। वो कहता कि अगर ऐसा करेगा हम तेरे को मार देंगे, ये कर देंगे। जो राणा सुअर का बच्चा है तो जिम्मी को बोल रहा था कि मार देंगे। तो भाई लोग ऐसा है कि अगर कोई वहाँ पे बोलना चाहे ना तो उनको मारना ही मारते ही हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनके मुल्ला माफिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, आपको समझाने का मतलब ये था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये या तो सुधर जाएं या फिर चैनलों से हट जाएं, ठीक है, जहाँ ये बंदे ना बिठाएं वहाँ पे। और अगर इन्होंने ऐसा ही काम करना है तो यहाँ से फिर जवाब इनको मिलता रहेगा और इनकी बेइज्जती हम करते रहेंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमारे भाई लोग हैं, हिंदुइज्म चाहे हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे अपना मुस्लिम का हो, चाहे किसी का भी हो, ठीक है, हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, किसी भी, चाहे यार कैसा भी हो। हमें अगर आपके मन में है ना तो मन में चीज रखो, आप उसको पब्लिकली या फिर कुछ ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि आप उस माहौल में रहते हो यार। अगर आप किसी को भाई मानते हो ना तो उसकी जो नेगेटिविटी होती है या उसका कोई होता है ना, उसको किसी और ढंग से समझाया जा सकता है, उससे और ढंग से डिबेट की जा सकती है, लेकिन एक न्यू डिबेट जहाँ जिसको कहते हैं नेगेटिव डिबेट नहीं कर सकते हम उसके साथ, ठीक है, उसको टारगेट नहीं कर सकते, उसको टॉन्ट नहीं कर सकते उस चीज़ पे, क्योंकि उसका फेथ है यार। अब मेरा फेथ है सिखिज्म पे, अब मेरे को उस चीज़ के बारे में
डिबेट कर सकते हो कि यार ऐसा है ऐसा है, हम वो बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टॉन्ट करोगे या फिर उस चीज को कुछ करोगे तो यार दूसरे की जुबान भी है, ठीक है, वो भी बोलेगा, फिर आपको भी 50 चीजें नेगेटिव दिखा देगा उसमें, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ अगर ढूंढना, कीड़े ढूंढने हो तो वो कहीं से भी ढूंढ लो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इनके बीच में, पोर्कियों के पोर्कियों खुला होकर बोल लेते हैं, अगर यही हमारी कंट्री, ठीक है, सेकुलर ना होती, हमारे यहाँ पे मुस्लिम इतने ना होते, मान लो वही पाकिस्तान वाला सिस्टम होता, तो हिंदू जो मर्जी बोलते, इनकी ऐसी तैसी फेर देते। अब जैसे एक्स मुस्लिम का चल रहा है, वो भाई मैं देख रहा था, हैरान हो गया मैं उसमें देख के, ऐसी ऐसी, अब मैं क्या बोलूँ यार, मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में बोलना नहीं चाहिए, ये गलत चीज़ होती है, कोई भी किसी का है, कोई भी प्रॉफिट है, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब वो खुद ही एक्स मुस्लिम का आप देखोगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं, ऐसे ऐसे हदीस बताते, अब नहीं हम तो बात ही नहीं कर पाते यार उस पर। रीज़न ये है कि हमारी कंट्री में अगर आप इंसान को किसी को भाई मानते हो ना, तो वो किसी भी कास्ट क्रीड का हो, आप उसको डिफेम नहीं करते, बस पंगा यहाँ पे आ जाता है इंडिया का, बोलने को तो हम चटर पटर, हमारे मुंह में भी जुबान है, हम भी बोल सकते हैं, वो हम बोलेंगे वो हमारा उल्टा बोलेगा, यानी कि यही हो जाएगा। अब उन्होंने बात कर दी इस बात पे, ठीक है, अब मेरे को ये समझ नहीं आती, चलो जो बाकी हैं क्रिश्चियन है या कोई और है वो कितने के देखते होंगे, पर मेरे को ये नहीं समझ आता कि यार अब हम बेइज्जती कराने क्यों जाते हैं उस चैनल पे। एक हमारे मुझे दुख हुआ कि उन्होंने हिंदुज़म पे या शिव जी के, हमने साली कभी सोची नहीं ऐसी चीज़ बात रह के, हमारे दिमाग में नहीं आती ऐसी बातें जो वो बोलते हैं, लेकिन फिर भी उड़ने वाले पंछी ये अमन के आशा वाले जाते हैं वहाँ पे, स्वाद लेते हैं और अपने आप को बेइज्जत करवाते हैं, बेइज्जत करवा के वहाँ पे खुश होते हैं, और अपने अपने धर्म को कोई बेइज्जत करवाए, इससे ज़्यादा लानत वाली क्या बात हो सकती है। मैं तो ये कई बार सोच के हैरान रहता हूँ, हाँ हो सकता है कि वहाँ पे कई पाकिस्तानी हिंदू नाम धर के वहाँ पे कमेंट करते हैं, भाई तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो कितने होंगे यार, 100 में से 10 होंगे, 5 होंगे, 100 में से 100 थोड़ी यार होते हैं, उनको फिर जाके भाई, यार ऐसे बंदे को तो भाई क्या क्या बोलूँ यार। चलो बाकी ये काम में तो भाई हम लगे हुए हैं, मेरे को ये वीडियो देख के बड़ा मजा आया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेरी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही, गला गुला बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मेरे को शायद गर्मी भी लगी है, क्योंकि बाहर मेरे को जाना होता है काम का, कंस्ट्रक्शन का मेरा बिल्डिंग का काम सा है, तो डीलरी का काम है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, बोल भी नहीं होता, चेस्ट में भी पेन रहती है, तो इसलिए मैं तभी वीडियो ऐसी नहीं ला पा रहा जो सीधे कंटेंट वाली हो, तो मैंने सोचा कि 1-2 वीडियो पे मैं बना लूँ, फिर मंडे से जब मैं ठीक हो जाऊँगा या फिर इस लाइव सेशन में आएंगे वो मैं करूँगा, मैं बैठा रहूँगा, आप लोगों ने करना, अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं लाइव सेशन में भी आपके साथ यानी कि बातें करूँगा, लेकिन आपको ही संभालना पड़ेगा इस टाइम जो संडे को 2 बजे लाइव हो रहा है, जो कमिंग संडे है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो संडे में लाइव होंगे, क्योंकि हमें लाइव करना ही है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आ गई तभी छोड़ेंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे कि संडे को 2 बजे लाइव करेंगे। तो ऐसी बात है कि भाई यहाँ तक तो मैंने वीडियो दिखानी, आपका प्यार ऐसे ही बना रहना चाहिए इंडियन के साथ, ठीक है, आप इंडिया की सपोर्ट करते रहो, एक ना एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे, आपने दिल नहीं किसी ने छोड़ना, ठीक है, ऐसी वीडियो लेके मजे करो, ठीक है, हंसो, जितना दुश्मन पे हंसोगे उतना वो बर्बाद होगा। पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इंटरनल बहुत ज़्यादा खराबी चल रही है, आप सोच भी नहीं सकते कि उनका क्या चल रहा है, वो कभी भी चाहे इमरान रहे चाहे आए चाहे ना आए, पाकिस्तान का बहुत बेड़ा गर्क हो गया है, अंदर अंदर से उनका बहुत कुछ टूट चुका है, आप सोच भी नहीं सकते, वो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा संडे अपने मंडे अगले नेक्स्ट वीक में, आपको एक वीडियो दिखाऊँ, ऐसी वीडियो बनाऊँगा जिससे आपकी आंखें खुलेंगी कि जो हमारा एक सपना है ना 2030 से पहले पहले का POK लाने का, वो भी पूरा होने के बहुत तेज़ी से स्पीड पे उस पर भी काम चल रहा है, और 2047 तक तो अल्लाह ही है। ये सोचते हैं कि मैं बोलता हूँ कि मेरे को कमेंट आते हैं कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, दुनिया में कोई भी चीज़ जो धरती होती है ना, ये ऐसे चीज़ ऐसे नहीं हम कहते कि ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने का मतलब होता है कि पंजाब पाकिस्तान रह जाएगा और सीरिया बन जाएगा ये, ठीक है, वो सोमालिया बन जाएगा, ऐसा बन जाता है, इसको बोलते हैं कि देश ख़त्म हो जाना, नाम तो रहेगा ही पाकिस्तान, अब जो चिपक गया वहाँ पे वो सिंध बलूचिस्तान उड़ा के पंजाब पाकिस्तान हो जाएगा, बस यही होगा, उड़ने का मतलब ये होता है कि ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन गंद इन्होंने सारी उम्र डालते रहना है, क्योंकि ये ऐसा गंद है दुनिया पे पोर्कियों का,
जो मेरे को लगता नहीं है कि कभी साफ होगा। हाँ, कोई वर्ल्ड वार 3 थ्रू होगी तो उसमें इनको साफ कर देंगे, बाकी भगवान ही जाने क्या होगा। यहाँ तक की वीडियो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। शेयर जरूर करो, अपने सारे प्लेटफॉर्म पे आगे आगे बढ़ाओ। और मैं चाहता हूँ कि जो दूसरे भी यूट्यूब चैनल हैं छोटे छोटे, मैं देखता हूँ उन्होंने भी अच्छा काम करना शुरू किया है, तो उनके भाई मेरे आपको फुल सपोर्ट है। आप जब भी आओगे तो मैं आपको जरूर प्रमोट करूँगा, जितनी मेरी हैसियत है ठीक है उस हैसियत से मैं प्रमोट करूँगा, अगर मेरी जितने आपको कर सकता हूँ मैं सपोर्ट। इंडियन भाइयों के लिए मेरी खुले दिल से सपोर्ट है, मैं जरूर करूँगा। तो यहीं तक वीडियो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।